हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं डायनामिक्स अवान्या। ये मीरा रोड में बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। इसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको नया अपडेट ये मिल जाए, नई प्राइजिंग मिल जाए। ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है, इसके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बता दूं, डायनामिक्स दिवम, डायनामिक्स पाकुड्स 05, डायनामिक्स एस्ट्रम, डायनामिक्स अवान्या। ये कुछ प्रोजेक्ट इनके हैं तो बहुत सारे, मिनिमम मैंने आपको 4-5 बताया है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि इस प्रीवियस प्रोजेक्ट को देख के क्या इसका बैक रिकॉर्ड है काम करने का। वो डायनामिक्स बिल्डर अपने आप में काफी अच्छे रिपीटेड हैं। आज इसी डायनामिक्स अवान्या की बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास भरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास भरनवाल में। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं, यहां पे सैंपल फ्लैट एलिवेशन कैसा बना हुआ है डायनामिक्स का। उसके बाद फिर मैं प्राइसिंग साइजिंग की बात करूंगा, क्या इसमें नया अपग्रेड आया है, हमारा गिफ्ट वाउचर क्या अपग्रेड हुआ है, वो सब आप समझेंगे। पहले कुछ देखते हैं यहाँ पे किस टाइप का बन रहा है या बना हुआ है ये। डायनामिक्स अवान्या दहीसर चेकना का है, उसी के नीचे जस्ट बन रहा है। ये दहीसर का पिन कोड लगता है। ये इसका बाहरी एलिवेशन है टावर का, जो आपको इस तरह से बनने के बाद आपको स्काई व्यू जो आएगा ऊपर से जब आप देखेंगे तो इस टाइप का आपको दिखने वाला है। आप समझ सकते हैं हाई राइज टावर और सारी एमिनिटीज इसमें सब कुछ दिया हुआ है बिल्डर ने। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। प्रॉपर इनका प्लानिंग किया हुआ है, साथ ही साथ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल डिपार्टमेंट से NOC लिया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कुछ बिल्डिंग जो होता है जो फॉरेस्ट से लग के होता है तो वहाँ पे ये बहुत जरूरी होता है। उसको क्लियर टाइटल डॉक्यूमेंट माना जाता है प्रोजेक्ट को, जिसके बेस पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वगैरह बिल्डर को मिलता है। अदरवाइज IGBC से अगर वो NOC नहीं लेते हैं तो। अब मैं आपको फ्लैट दिखाता हूं। पहले मैं आपको 1 BHK का दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको 2 BHK का दिखाऊंगा। इसमें क्या टाइप का फ्लैट है वो आप पहले देख लें, उसके बाद मैं प्राइसिंग वगैरह डिटेल वगैरह दूंगा ही। एलिवेशन कैसा आने वाला है वो तो आपने देखा ही है। ये इसका 1 BHK की प्रॉपर्टी है जिसमें किचन है, और ये जो आपने देखा है ना, किचन में हाफ वॉल किया हुआ है। हाफ वॉल आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट आपको जो बना के मिलेगा ये प्रॉपर अटैच्ड ऊपर सीलिंग तक होके मिलेगा। किचन के बाहर आपको वॉशिंग मशीन के लिए एरिया प्रॉपर दिया हुआ है, तो आप इस टाइप का कर सकते हैं। ज्यादातर बिल्डर, ज्यादातर जो अभी लेटेस्ट में चलन जो ओपन किचन का है वो इस तरह से है कि हाफ वॉल रखते हैं। हाफ वॉल में आप क्या करते हैं कि खाना वगैरह बनता है तो सर्व करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। ये इसका 1 BHK का है। सामने डाइनिंग है, किचन है, तो वहां से आपको सीधा सीधा सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किचन के सामने डाइनिंग है। और पीछे के साइड आपको कॉमन वॉशरूम आता है, तो एक वास्तु के हिसाब से अच्छा भी है। बट कुछ लोग वास्तु में मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो लोग नहीं मानते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ है, वो इतने पॉजिटिव होते हैं अपने माइंड से, वो और उनकी फैमिली, कि इन चीजों के लिए कुछ मायने नहीं रखता उनके लिए। जो मायने रखता है वो लोग फॉलो करें इसको, कि हो सकता है तो घर ऐसा खरीदे जहाँ पे किचन के जस्ट सामने टॉयलेट वॉशरूम ना हो। ऐसे बहुत सारे बिल्डर इन चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं। दूसरा जो बेडरूम है, बेडरूम में इन्होंने ये मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, मास्टर बेडरूम अटैच्ड वॉशरूम दिया हुआ है। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि एक फैमिली आप इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बजट कम है और फैमिली बड़ी है तो ये 1 BHK जो मास्टर बेडरूम वाला होता है उसमें 2 फैमिली आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। अगर आप सोफा कम बेड बाहर हॉल में रख देते हैं तो एक फैमिली बाहर और एक फैमिली मास्टर बेडरूम में इजिली रह पाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि फ्लैट में इन्होंने मास्टर बेडरूम दिया है, साथ ही वार्डरोब बनाने के बाद भी, बेड रखने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है। ये मैं आपको 1 BHK दिखा रहा हूँ, इसके बाद जस्ट मैं आपको 2 BHK दिखाने वाला हूँ। घर बैठे आप पूरी अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, उसके बाद आप खरीदने के लिए या डिटेल भी समझना हो तो उसके लिए भी आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी डिटेल से लेके परचेस से लेके सब कुछ, लीगल डॉक्यूमेंटेशन से लेके टिल जब तक पोजीशन ना हो जाता है तब तक आप कोई भी इंक्वायरी, कोई भी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों।
ये इसका 2BHK का प्रॉपर्टी है। 2BHK में भी इन्होंने ओपन किचन कंसेप्ट दिखाया है, बट ये वॉल आपको बल्क में मिलेगा, बाद में आप इंटीरियर के टाइम पे इस टाइप का बना सकते हैं, आप ओपन वॉल कर सकते हैं। इसमें भी किचन दिया हुआ है, दोनों साइड सर्विस प्लेटफॉर्म गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और बाहर जैसा बाहर वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया था 1BHK में, वैसा ही सेम 2BHK में किया हुआ है। ये इसका वॉशिंग मशीन का स्पेस है। अभी हम आ गए हैं लिविंग डाइनिंग में। लिविंग डाइनिंग का आप देख सकते हैं, इधर डाइनिंग के लिए टेबल लगा हुआ है और सामने लिविंग एरिया है। यहाँ से व्यू आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे आप देखें तो माउंटेन ही बना हुआ है, और इन फ्यूचर आने वाले दिनों में कुछ बनने भी नहीं वाला है। अभी जो नया पासिंग हो रहा है, पहले का जिसका पास हो चुका है परमिशन, वो बात अलग है। अभी न्यू गवर्नमेंट का जो रूल्स आया है उसमें आप समझ लें कि फॉरेस्ट से 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है डेवलपर, तो उसको बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पे बिल्डिंग बनाने नहीं मिलेगा। तो फॉरेस्ट बहुत जरूरी हो गया है, फॉरेस्ट यानी ग्रीनरी बहुत जरूरी हो गया है। गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत ही प्रायोरिटी दिया हुआ है। ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन यानी अटैच्ड वॉशरूम नहीं है इसमें, इसमें भी वार्डरोब और बेड का प्रॉपर जगह दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर के अंदर जो भी बिल्डिंग बनने वाली है फॉरेस्ट के नियर बाय, वहां पे उनको परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं पीछे का व्यू, इसका हमेशा ही आपको फॉरेस्ट का व्यू मिलने वाला है, इसके पीछे कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना इसके लिए वर्थ है कि कभी भी आप इन फ्यूचर बेचने भी जाएंगे तो एक अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, क्योंकि पीछे कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, कोई ब्लॉकेज नहीं होने वाला है। ये डायनामिक्स तो है ही, डायनामिक्स के आप देखें 3-4 बिल्डिंग के बगल में एक बिल्डिंग और बन रहा है, MICL पार्कवुड और अध्या हाई पार्क, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तंगवी इको सिटी MICL डायनामिक्स, तो हमें फोन करें आप ऊपर दिए हुए नंबर पे। कुछ डिटेल भी जानना हो ना, अगर आपने परचेस नहीं किया है या परचेस नहीं करना है, डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फोन करें, उसमें भी हम आपको मदद कर देंगे। तब आप डिटेल जानने के बाद बजट बनाने के बाद फिर आए। इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉमन वॉशरूम दिया है। कॉमन वॉशरूम में बेनिफिट ये होता है कि एक बार जब आप जाते हैं वॉशरूम के अंदर, तो आपको टॉयलेट कमोड वॉश बेसिन एरिया बाथ एरिया सब आपको एक ही वॉशरूम में मिल जाता है, तो पूरी तरह से आप कंप्लीट होके आते हैं। पहले अलग अलग टॉयलेट अलग वॉशरूम होता था जिसमें दो दो जगह जाना पड़ता था, अभी एक चीज बहुत अच्छा दिया है, हर एक जगह ये कंसेप्ट चल रहा है कि एक बार में कंप्लीट होके आते हैं। आजकल तो जो लग्जरी प्रॉपर्टी होती है उसमें तो वॉक इन वार्डरोब्स भी होता है। वॉक इन वार्डरोब्स यानी वॉशरूम के जैसे बाहर निकलते हैं आप, सामने ही आपको वार्डरोब मिलता है, वो कपड़े पहनने के लिए आपको मेन बेडरूम में नहीं आना पड़ता है। तो वॉक इन वार्डरोब का कॉन्सेप्ट भी मेरे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में मैंने दिया है जिसमें वॉक इन वार्डरोब्स है, तो वो भी आप देखें। जो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं जिसमें 3BHK लोधा के कुछ हैं, कल्पतरू के कुछ हैं, MJ शाह जैसे 81 Aurat है, ऐसे बड़े बड़े जो सोसाइटी और बड़ी टावर्स जिसमें हैं, जिसमें 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ से रेंज स्टार्ट होता है, वैसे में वॉक इन वार्डरोब का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसका ओपन किचन कंसेप्ट है, ये वॉल पूरा बन के मिलेगा, आप इसको बाद में ब्रेक करके और इस टाइप का डिजाइन बना सकते हैं फ्लैट के अंदर। ये मैंने आपको 1 और 2BHK का दिखाया, आइए डिटेल जानते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या क्या आने वाला है, साइज प्राइस कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन एलिवेशन ये सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में सर्विसेज बताऊंगा, फिर मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। डायनामिक्स यवन्या ये मीरा रोड में बन रहा है, इसके मैं प्रोजेक्ट के डिटेल की आपको बात करूं, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, अभी कंस्ट्रक्शन एरिया इनका टोटल लगभग 3.12 यानी 3.12 एकड़ में इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 37 स्टोरी टावर बना रहे हैं ये, 4 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, लग्जरियस 37 चारों टावर रहेगा स्टोरी, और हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस देंगे ये। पोडियम पार्किंग इसका 3 लेवल है। रेसिडेंशियल स्टार्ट हो रहा है इनका 4th माले से। पोजीशन ये 2023 में देने वाले हैं, बिल्डिंग ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है। अवन्या की बात कर रहा हूं, इसमें अवन्या स्टारलाइट अलग अलग विंग्स के नाम रखा है इन्होंने, कोड नेम रखा है। सिटी व्यू, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे व्यू और नेशनल पार्क व्यू, तीनों साइड का आपको व्यू मिल जाता है। लोकेलिटी इसमें ज्यादातर हिंदू है, बट ये कॉस्मो बोल के बेच रहे हैं।
सभी बैंकों से अप्रूव्ड है इसमें, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। SBI, ICICI, LIC किसी भी बैंक से इजिली आपको लोन अवेलेबल हो जाएगा इसमें। डायनामिक्स स्टारलाइट और डायनामिक्स अवनिया का अगर आप रेरा में देखना चाहते हैं कि क्या डिटेल है उसका, तो टावर AVC का रेरा नंबर है। इसमें मैं 2 रेरा नंबर आपको दे देता हूँ, उससे आप पूरा पता कर सकते हैं कि मारेरा के वेबसाइट पे क्या अपलोड किया है इन्होंने। और मेरे एक एडवाइस है दोस्तों कि कभी भी नए प्रोजेक्ट और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हैं आप प्रोजेक्ट में, तो एक बार आप महारेरा के वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। वहां जाने के बाद आप प्रोजेक्ट रिलेटेड सब कुछ आपको डिटेल मिल जाता है, कि ताकि फिर आपको काम करने में आसान हो जाता है कि कितना कारपेट साइज है, कहाँ लोकेटेड है, कितना टावर, कितने माले का टावर का पासिंग है, किन किन सेक्टर से ये सर्टिफाइड किया हुआ है, वो सब कुछ डिटेल आप महारेरा के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। टावर ए का महारेरा नंबर है P518-00003202 और दूसरा इसका रेरा नंबर है P518-00269090। ये टावर बी का, इसमें ये दोनों महारेरा के नंबर के थ्रू जाके आप जरूर डायनामिक्स अवनिया और स्टारलाइट का देखें कि क्या डिटेल है, उसके बाद फिर आप प्रॉपर्टी परचेस करें। दोस्तों इन्वेंटरी की बात करूं, इसमें मैं अभी कोड नेम अवनिया की बात कर रहा हूं, आगे मैं स्टारलाइट भी आपको बताऊंगा। इन्वेंटरी इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है। 1 BHK 398 यानी लगभग 400 स्क्वायर फुट है, 2 फुट कम 400 स्क्वायर फुट है। प्राइस इनका काफी रीजनेबल है दोस्तों, 60-70 लाख इसका इनका फ्लैट कॉस्ट है। और 2 BHK का 537 यानी 537 स्क्वायर फुट का है, जिसका ये मैं प्योर कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, जिसका इनका प्राइस 5-90 लाख के बीच में आएगा। ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये एक अनुमानित टेंटेटिवली प्राइस है कि भाई नॉर्मल प्राइस इतने से स्टार्ट हो रहा है। जब आप मुझे फोन करेंगे कि ये पर्टिकुलर, जब आप वीडियो देख रहे होंगे हमारी वीडियो पब्लिश करने के बाद, जब भी आप देख रहे होंगे उस टाइम की प्राइस में क्या चेंजेस हुआ होगा, क्या बदलाव हुआ होगा, हम एग्जैक्ट उसी टाइम आपको बताएंगे जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बिल्डर का जो अभी जो इन्फॉर्मेशन आया है ये टेंटेटिव प्राइस है, मैं आपको फाइनल प्राइस नहीं बता सकता हूँ। कई बार अलग अलग कई टाइप के जो बिल्डर हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आप फाइनल प्राइस बता देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो आप मुझे फोन करें इसी ऊपर दिए हुए नंबर पे, हम बताएंगे उस टाइम का प्राइस उसका क्या है। दोस्तों ये सब जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये सारे प्राइस एक नेगोशिएबल प्राइस है, जिसमें के ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और अदर चार्जेस वगैरह आने वाला है। यूनिक पॉइंट इसका हाईवे टच है, दहिसर का कोड लगता है और इसमें इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्री सर्टिफाइड है ये, IGBC आप बोलते हैं, IGBC आप गूगल कर लीजिए, वहां से पता चलेगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। सारे में सोलर पैनल लगा हुआ है, गर्म पानी के लिए, हॉट वाटर के लिए, मॉड्यूलर किचन आपको हर एक फ्लैट में ये दे रहे हैं। साथ ही साथ 1 BHK में 2 AC लगा के दे रहे हैं, 2 BHK में 3 AC लगा के दे रहे हैं। ये सब बिल्डर की ओर से ही आपको मिल रहा है। एमिनिटीज की बात करूं तो 30+ इसमें लग्जरियस एमिनिटीज है इसका, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जॉगिंग एरिया, मिनी थिएटर, सारा कुछ इसमें आपको दे रहे हैं। ये जो भी एक बेसिक नीड होती है, इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन है वो मैंने आपको बताया है। कोड नेम इसका स्टारलाइट जो है, दूसरा विंग है स्टारलाइट की, मैं आपको बात बता दूं उसका भी कुछ डिटेल इसी वीडियो में दे देता हूं। 36 स्टोरी टावर है, सेम टावर सेम हाइट है इसकी, उसमें भी अलग अलग पूरे 4 विंग की सोसाइटी तो है ही। सी टावर अभी लॉन्च हुआ है, ए और बी सोल्ड हो चुका है, जिसमें ग्राउंड और 2 लेवल इसका पोडियम और एमिनिटीज है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 1st लेवल से। पोजिशन इसका 2024 में है। इन्वेंट्री इसमें भी सेम है 1 और 2 BHK का। अगर आप बड़ी फैमिली उसमें रहना चाहते हैं, साथ में जॉइंट में रहना चाहते हैं, तो लग्जरियस इसमें 1-1 का जोड़ी बन जाता है, 2-2 का भी जोड़ी बन जाता है। हर एक प्रोजेक्ट में जो हम लोग होलसेल में सेल के लिए लेते हैं प्रॉपर्टी, जैसे आप 1-2 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग 100-200 फ्लैट बेचते हैं, तो बिल्डर जो आपको प्राइस देते हैं और हमें जो प्राइस देते हैं, एक काफी फर्क होता है होलसेल में प्रॉपर्टी सेल करने का। तो उसमें जो हमें डिस्काउंट मिलता है बिल्डर की ओर से, उसका कुछ पार्ट हम आपसे शेयर करते हैं, हम अपने व्यूअर से बायर से शेयर करते हैं जब वो हमारे थ्रू प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसमें 1 BHK के ऊपर 33,000 हमारी ओर से गिफ्ट वाउचर है और 2 BHK के ऊपर 44,000 ये गिफ्ट वाउचर हमारे प्रॉपर्टी प्लाजा की ओर से आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों एक बात याद रखें, आपको बॉटम प्राइस वहाँ पे क्या चल रहा है वो पता नहीं है, बिल्डर के आस्किंग प्राइस पे आप जाते हैं, तो बॉटम प्राइस में हम आपको डील भी करवा के देंगे, साथ ही साथ हमारे
सेल्स स्टाफ आपको सर्विसेज भी देंगे और ऊपर से आपको हमारी ओर से ये गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। अगर आप हमारे थ्रू बुक करते हैं प्रॉपर्टी तो एक एक्स्ट्रा आपको ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ये डायनामिक्स अवन्या और डायनामिक्स स्टारलाइट दोनों के लिए ही ये गिफ्ट वाउचर अप्लाई रहेगा आने वाले एक साल तक। उसके बाद फिर बुकिंग जैसे करेंगे तो हम ऑन द स्पॉट बता देंगे कि हमारा गिफ्ट वाउचर क्या रहेगा, ये आप डिसाइड कर लें बुकिंग के टाइम। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझना जरूरी है। जो आप समझ लें पहले, आप ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, एक फ्लैट, दो फ्लैट, जोड़ी या तीन से चार फ्लैट खरीद सकते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में। जिसके कारण आप छोटे ब्रोकर छोटे सीपीस के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफर मिलता है वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीस को मिलता है। आप हमारे थ्रू फोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट श्योर एंड शॉर्ट हम करवा के देंगे दोस्तों। और देखने को मिला है कि कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहां उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP नहीं है तो आप हमें फोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी हम इस चैनल पर प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जरूर जाएं। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी दो टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रिसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पर आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500,000-2,000 का खेल नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। तो बिल्डर को तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि बिल्डर 5,000, 1,000, 2,000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप जरूर किसी ना किसी को लेके जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहां पे चल रहा है। कनेक्टिविटी आप समझ लें, 2 से 5 मिनट के अंदर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल पास में ही है, बिल्डिंग से नीचे निकलते ही वेस्ट बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल 2 मिनट में ही है। दहीसर चेकनाका फैक्ट्री आउटलेट में जो बड़े बड़े कंपनी के जो आउटलेट्स हैं जिसमें पुमा, रिवॉक, एडिडास, पेंटालून, स्केचर, डिकैथलॉन, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग 1 से 2 मिनट का रास्ता है। संजीवनी वर्ल्ड स्कूल, रितिका हॉस्पिटल, यस बैंक, एक्सिस बैंक, भारत कोऑपरेटिव बैंक, SBI, ठाकुर मॉल एंड बिग बाजार, आइनॉक्स, केमिस्ट, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, साईनाथ मंदिर, ये सब बिल्कुल आसपास में ही है। अगर आप भगवान में और मंदिर में पूजा में विश्वास करते हैं तो ये सब आपको आसपास में ही मिल जाते हैं। 10 से 30 मिनट के अंदर आप दहीसर रेलवे स्टेशन, मीरारो रेलवे स्टेशन, बोरीवली स्टेशन, कासीमीरा जंक्शन, घोड़बंदर रोड, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल, रॉयल कॉलेज, AP कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल एंड कॉलेज, ऑर्बिट हॉस्पिटल, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, रसाज मॉल, मैक्सेस मॉल, डी मार्ट, सोना टाकीज, PVR सिनेमा, रसाज मल्टीप्लेक्स थिएटर, ग्लोबल 101 मॉल, मैक्सेस सिनेमा, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल पार्क, माइंड स्पेस, ये सब हार्डली आप 45 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर मुंबई की जो फेमस चीजें हैं, मडमारवे बीच, अक्सा बीच, बरसोवा बीच, जुहू बीच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, BKC, सिद्धिविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कोलावा, एलिफेंटा केव्स, वानखेड़े स्टेडियम, ये सब भी मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। ये मैंने प्राइजिंग, साइजिंग और प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है। आगे आप हमारा सर्विसेज समझ लें, क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को जो फायदे की
प्रॉपर्टी होती है वो कैसे हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ये आप हमारे सर्विसेज में समझ लें दोस्तों। सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है। ऐसा हमने काफी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फ़ायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। तो ऐसे जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पर डालूँ, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सकें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप उसमें फ़ायदा कमा सकें। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है। जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। हम आपको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजीशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आऊँगा, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।